निंदा करने वालों से डर कर, कभी भी अपना लक्ष्य न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिल जाने के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मैं सुमंत कुमार ईडी फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3 पॉइंट स्टार्टर देखा था, और इससे पहले मोटर और जनरेटर का पूरा डिटेल से हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक देखा था, सारा कुछ स्टेप वाइज। तो जो लोग नए हैं, जिनको अभी तक वो वीडियो नहीं मिला है, जो अभी तक करेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे हैं या फिर 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं देखे हैं, उन लोगों के लिए लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए वहां तक पहुंच सकते हैं। और अभी हम लोग कंपेयर करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर का 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ, इसका क्या डिसएडवांटेज है और इसके डिसएडवांटेज को हम लोग कैसे इसके जरिए दूर किए। अभी तक हमने जाना था कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो जो होता है शंट मोटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को प्रॉब्लम क्या आ रहा था, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब हम लोग स्पीड कंट्रोल कर रहे थे, तो स्पीड कंट्रोल करते समय अब मोटर के स्पीड को, अगर मान लीजिए कि स्टार्ट करते समय तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस लगने से इनिशियल करंट जो है लो हो गया, और हमारा जो मोटर है उसका उसमें जो बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो कर रहा था इनिशियली, वो करंट फ्लो करना रुक गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब इसका स्पीड हम लोग को वेरी करवाना होता है, ठीक है, जैसे स्पीड को हम लोग को बढ़ाना है, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या ज़रूरत पड़ेगा, फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। फ्लक्स को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस लग जाएगा तो फील्ड करंट अपने आप कम हो जाएगा, और जिससे फ्लक्स कमेगा, और जब फ्लक्स घटेगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग काफ़ी लॉन्ग वेरिएशन तक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू तक यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं रख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस रखेंगे तो ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा इस कॉइल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस रखने से, क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्पीड हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हाई चाहिए, तो हाई स्पीड के लिए यहाँ पर हाई वैल्यू वाला रेजिस्टेंस चाहिए, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, इससे होकर के जो इस कॉइल से जो करंट फ्लो कर रहा था, करंट यहाँ से ऐसे जा रहा था, ठीक है, इस शंट फील्ड में। अब यहाँ पर इससे होकर के करंट शंट फील्ड को मिल रहा था, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसे करंट आना कम हो गया। जब करंट आना कम हो गया तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो था वो डिक्रीज कर गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डिक्रीज करेगा तो ये स्टड को छोड़ देगा, फ्री छोड़ देगा, और जब स्टड फ्री होगा तो यहाँ से रिटर्न होकर के इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा, और हमारा मोटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या तरकीब निकाला है, हमने निकाला है 4 पॉइंट स्टार्टर। यहाँ पर हमने क्या किया कि इस फील्ड को, ठीक है, ये जो हमारा फील्ड था इसको हमने अलग कर दिया, और ये जो कॉइल के साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर जितना मर्जी उतना भैरी करवा सकते हैं रेजिस्टेंस को। इनिशियली कंस्ट्रक्शन कैसा था, अगर इसको हम लोग देखें तो इसको हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं। अगर रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर हमारा सोर्स वोल्टेज था, और यहाँ पर हम लोगों ने शंट फील्ड वाइंडिंग दे रखा था, ठीक है, और शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ ही सीरीज में हमारा लगा हुआ था NVC नो वोल्ट कॉइल। यहाँ पर हमारा NVC लगा हुआ था, और यहाँ पर उसके बाद ये हमारा मोटर था। अब मोटर के साथ सीरीज में लगा हुआ था OLC, ठीक है, यहाँ पर OLC लगा हुआ था, ठीक है, क्योंकि जब OLC क्या करता था, जब हैवी करंट फ्लो करता था, आर्मेचर करंट जब ज़्यादा हो जाता था तो OLC से हैवी करंट फ्लो करता था, जब हैवी करंट फ्लो करता था तो ये ऊपर जाता था और इससे एक कॉन्टैक्ट में आ जाता था, और इसको कॉन्टैक्ट में आ जाने से ये जो यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखा है, यहाँ पर जो वाइंडिंग है, ठीक है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा, और इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर इसको छोड़ देगा और वो ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइप से अभी तक ऑपरेशन हो रहा था। हमने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया, और चेंजिंग करने के बाद क्या कर दिया, अब नया जो हमारा सर्किट था कुछ इस टाइप से हो गया। यहाँ पर हमारा NLC कॉइल रहेगा, NLC, ठीक है, इस NLC कॉइल को एक छोटा सा रेजिस्टेंस दे करके ये हमने रेजिस्टेंस दिया है, अलग कर लिया। अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो शंट फील्ड था उसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और ये हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ पर जो हमारा OLC था, OLC अपने जगह पर है, यहाँ पर हमारा मोटर है, ठीक है। अब ये नया जो अरेंजमेंट हमने किया है 4 पॉइंट स्टार्टर में, ये कुछ इस टाइप से किया है।
अब इसमें अगर हम लोग को स्पीड कंट्रोल करना है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने हमें स्पीड कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ता था, और यहाँ का वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता था कि इससे एनवीसी से जो करंट फ्लो कर रहा था उसको लिमिट कर देता था, जिससे एनवीसी काम करना हमारा बंद कर दे रहा था। यहाँ पर हमने क्या किया, एनवीसी को अलग कर दिया, ठीक है, एनवीसी को जब हम लोगों ने अलग कर दिया तो एक रेजिस्टेंस के सहारे, तो अगर यहाँ पर हम लोग फ्लक्स को घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस कर लगाएंगे, अगर इसको हम लोग बढ़ा भी देंगे तो इसमें जो करंट है आईएफ का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, और आईएफ का वैल्यू काफ़ी लो करके हम लोग इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई कर सकते हैं और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी अरेंजमेंट को हम लोग को इस फिगर से समझना है। तो सबसे पहले मोटर और ओएलसी का अरेंजमेंट देखते हैं। तो हमारा मोटर यहाँ पर लगा हुआ है और ओएलसी यहाँ लगा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ से ए स्टार्ट होकर के सीधे इस रेजिस्टेंस से होकर के हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से गया, ठीक है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस से होकर के इस तरह से मूव करते हुए हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ साफ दिख रहा है कि ओएलसी और मोटर हमारा दोनों सीरीज में लगा हुआ है, और ओएलसी फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से करेगा जैसा कि थ्री पॉइंट स्टार्टर में हुआ था। अगर यहाँ पर करंट हाई हुआ, ठीक है, करंट अगर यहाँ पर हाई हो गया तो एक क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींच लेगा, जब अपने तरफ खींचेगा तो ए वाला दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और ये दोनों यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसके दोनों टर्मिनल से, इसके दोनों टर्मिनल से ये दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं आप, और दूसरा यहाँ पर। तो जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएगा इससे करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, पोटेंशियल इसके ग्रोथ जीरो होगा, और ए इसको छोड़ देगा तो ए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। जो लोग नए हैं वो एक बार थ्री पॉइंट स्टार्टर देख लेते, तभी ये ठीक से क्लियर समझ में आएगा। थ्री पॉइंट स्टार्टर का ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रिकल मशीन गेट के लिए जो है वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो ए फंक्शन हमने समझ लिया, ओएलसी का समझ लिया, मोटर का समझ लिया, ओएलसी मतलब कि ओवरलोड करंट। उसके बाद दूसरा हम लोग देख रहे हैं फील्ड वाइंडिंग, ए फील्ड वाइंडिंग है और ए रेजिस्टेंस है। इसका सर्किट देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से इस तरह से आते आते यहाँ पर आया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर या तो इधर से या फिर इधर से जा करके फिर हमारा सोर्स के साथ कनेक्ट हो गया है। मतलब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, अब चाहे इस रास्ते जाए या इस रास्ते पर जाए, अगर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट यहाँ पर होगा तो करंट इधर से फ्लो कर जाएगा और सेंट को मिल जाएगा, और अगर किसी दूसरा पोजीशन पर है तो कोई बात नहीं, वहाँ से जाएगा और यहाँ से ऐसे करंट मूव करेगा, ठीक है, करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा। हम यहाँ पर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं सेंट फील्ड के लिए, ठीक है, यहाँ से जाएगा फिर इस रास्ते होते हुए यहाँ से, ठीक है, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये हमारा सेंट फील्ड है, इधर वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपने दूसरा अरेंजमेंट देख लिया, और यहाँ पर हम लोग का बेनिफिट यही हुआ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग है, जितना चाहे उतना हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब तीसरा जो कनेक्शन है एनएलसी प्लस रेजिस्टेंस, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से ए स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ जाने के बाद हम थोड़ा सा और डार्क पेन ले लेते हैं, यहाँ पर गया, यहाँ जाने के बाद इस तरह से करंट इस स्प्रिंग में मूव किया, ठीक है, कॉइल में मूव किया, मूव करते हुए इधर से निकल करके, ठीक है, और इसके ज़रिए, ठीक है, इसके ज़रिए यहाँ पर रिटर्न हो गया। तो देख सकते हैं तीनों का तीनों इस टाइप से सेंट पैरेलल लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है तो अब इसमें किस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया हम लोग का फोर पॉइंट स्टार्टर। अगर किस टाइप का कोई समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, किस टाइप का कन्फ्यूजन रह गया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जल्दी उसका आंसर मिल जाएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर उम्मीद है आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये था हमारा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों का। ये जो सिंपल सर्किट डायग्राम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।